हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 अ प्लेटफॉर्म विद सॉल्यूशंस। आज तारीख है 18 जुलाई 2021 और हम आपके लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी छोटी इसका कोई सार नहीं। जिंदगी छोटी इसका कोई सार नहीं। आइए देखते हैं, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जी का निधन हो गया है और उन्हें पुलिट्ज़र विनिंग अवार्ड भी मिला था, तो ये कौन सी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करते थे? ये करते थे रिटर्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और अपने दोस्तों के साथ भी साझा ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑन विच डे? हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय लॉ दिवस कब मनाया है? वो मनाया हमने 17 जुलाई। द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑन जुलाई 2017 टू सपोर्ट रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये मार्क डे किस उस पर मार्क किया जाता है? एनिवर्सरी ऑफ रोम स्टैचू ऑन जुलाई 17, 1998 के उस पर। आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। विच कंट्री पासिस FATF रिलेटेड बिल? FATF रिलेटेड बिल कौन सी कंपनी ने पास किया है? वो किया है पाकिस्तान ने। तो इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है पाकिस्तान पार्लियामेंट ने क्या किया है, पास कर दिया है FATF बिल। और ये FATF कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है उनके ऊपर जो क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं किनको, अपने जितने भी होते हैं आतंकवादी संगठन होते हैं इनको फंडिंग करते हैं, तो उनके ऊपर FATF कानून लगाया जाता है। और इससे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक और एक्ट उन्होंने अभी पास किया है उनकी सीनेट के द्वारा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर्स पे अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड बाय सीनेट अपर हाउस फ्राइडे के दिन हुआ था। और एक और चीज़, पाकिस्तान को 2018 से ग्रे लिस्ट में रखा गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के द्वारा, कि ये क्या करती है, आतंकवादी संगठनों को पैसा देती है। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। रिसेंटली विच कंपनी विल बिल्ड हार्डवेयर वॉलेट टू स्टोर बिटकॉइन? वह कौन सी कंपनी है जिसने हार्डवेयर वॉलेट बिल्ड किया है क्या करने के लिए, बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए? वो है स्क्वायर कंपनी। अभी जिस तरीके से ट्रेजर लेजर पॉपुलर बन चुके हैं क्रिप्टो सिस्टम को रखने के लिए, इसी तरह से एक स्क्वायर कंपनी है वो क्या करेगी, बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए एक वॉलेट बनाएगी। पेमेंट्स फ्रॉम स्क्वायर वुड सून बिल्ड ए हार्डवेयर वॉलेट टू स्टोर बिटकॉइन। आइए देखते हैं विच रेलवे स्टेशन हैज़ रीनेम्ड एज बनारस? देखिए, कौन सा वह स्टेशन है जिसे अब रीनेम कर दिया गया है एज ए बनारस? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, मांडुदी रेलवे स्टेशन नाउ कॉल्ड एज बनारस। इसके अंदर है क्या, ये किसके द्वारा किया है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा किया गया है, और ये न्यूली पेंटेड साइन बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वह पहला स्टेशन कौन सा है जिस पे संस्कृत में नाम लिखा गया है, तो वह भी बताया गया है बनारस। तो ये भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जहाँ पे संस्कृत में नाम लिखा गया है बनारस, प्लस हिंदी में लिखा गया है बनारस, इंग्लिश में लिखा गया है बनारस, और उर्दू में लिखा गया है बनारस। ठीक है, तो संस्कृत में पहला स्टेशन कौन सा हो गया है, बनारस। इसके बाद विच स्टेट, अभी कौन से स्टेट ने बोनालू उत्सव सेलिब्रेट किया है? बोनालू उत्सव बहुत ही फेमस उत्सव है, ये किसके उसमें किया जाता है, ये किया जाता है तेलुगु मंथ ऑफ असंद फॉलिंग इन जून जुलाई इन दी ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट। देखिए, अब ये किस लिए किया जाता है, सेलिब्रेट दी आशा बोनालू फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है ये, और संडे के दिन इसको मनाया गया है। द इवेंट वॉज कैंसिल कर दिया गया था पिछले साल ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक, पर इस साल इसको चंद्रशेखर राव जी की गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन फ्लैग कर दिया गया है कि आप इस साल इसे मना सकते हैं। और ये कौन से स्टेट में मनाया गया है, आइए स्टेट देख लेते हैं, वह है तेलंगाना। यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ कैपिटल है हैदराबाद। आइए देखते हैं आज का वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, परसेंटेज का। आप
परसेंटेज की जानकारी रखते हैं तो इसका उत्तर भी दीजिएगा, और नहीं रखते हैं तो परसेंटेज की वीडियोस हमने डाल रखी हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। टू स्टूडेंट्स अपियर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन दी अदर एंड हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम आर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आशा करता हूँ कि आप इसका उत्तर ज़रूर देंगे। आइए देखते हैं वे इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसे कि हम आपके लिए यूपीएससी पॉइंट से लेकर आते हैं डिटेलिंग में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये स्टेटमेंट आया है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जो रिलीज़ किया है कि इंडियन नेवी ने एक्सेप्ट कर लिया है पहले 2 MH-60R जो कि क्या है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। और ये किससे एक्सेप्ट किए गए हैं, ये किए गए हैं US से। इंडियन नेवी एक्सेप्ट फर्स्ट 2 इट्स मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स MRH फ्रॉम US नेवी, सेरेमनी हेल्ड एट नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड सैन डियागो ऑन 16 जुलाई 2021। सैन डियागो में एक बनाया गया नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में। फिर यहाँ पे कौन रहा, फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ दिस हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम US नेवी टू इंडियन नेवी विच वर एक्सेप्टेड बाई हिज एक्सीलेंस तरनजीत सिंह संधू इंडियन एम्बेसडर टू US, USA इनके द्वारा क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है तरनजीत सिंह संधू जी द्वारा जो क्या है इंडियन एम्बेसडर हैं US के। द सेरेमनी इंडियन एम्बेसडर टू US मतलब है कि हमारी इंडिया के द्वारा नियुक्त किए गए हैं ये US में, USA में। फिर है जो सेरेमनी थी वहाँ पे कौन कौन रहे, वहाँ पे रहे वाइस एडमिरल केनेथ विट्सल कमांडर नेवल एयर फोर्स US नेवी एंड वाइस एडमिरल रवनीत सिंह डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ DCNS इंडियन नेवी। इसके बाद देखिए ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, ये किया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा, USA ने इसको वेदर हेलीकॉप्टर डिज़ाइन टू सपोर्ट मल्टी मिशंस। फिर है 24 ऑफ दिस हेलीकॉप्टर्स आर बीइंग प्रोक्योर्ड अंडर फॉरेन मिलिट्री सेल्स फ्रॉम द US गवर्नमेंट। फिर है द हेलीकॉप्टर वुड ऑल्सो बी मॉडिफाइड विद सेवरल इंडियन यूनिक इक्विपमेंट एंड वेपन्स। फिर है द इंडक्शन ऑफ दिस MRH वुड फर्दर एनहेंस इंडियन नेवी थ्री डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़। थ्री डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं इस हेलीकॉप्टर को, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आइए इन ऑर्डर टू एक्सप्लोइट दीज पोटेंट हेलीकॉप्टर्स द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन क्रू इज़ प्रेजेंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन USA ताकि इस हेलीकॉप्टर का प्रॉपर यूज़ कर सकें। इसलिए जो पहला बैच है इंडियन कोर क्रू का वो इसके अंदर ट्रेनिंग करेगा, कहाँ पे, USA के अंदर ही, ताकि इसके बारे में सब चीज़ें सीख सके। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।